الله حافظ. عائشة الله حافظ. مصطفى الله حافظ. हाँ सही है. हेलो अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. पहुँच के फोन कर देना. ना सारा माशाल्लाह क्यारी में धनिया हो गया था. मैं सारा सुबह बहन गई तो सारा चुन के लेके आई हूँ. और ये इतना सारा माशाल्लाह इतना ताज़ा ताज़ा धनिया हो गया था. और निकाल के सारा भी काट के साफ़ सुथरा करके अब डब्बे में डाल के रखूँगी. तो ये मुझे काफ़ी दिन तक, 5-6 दिन तक, 4-5 दिन तक अगर मैं कुछ भी बनाऊंगी तो उसमें मुझे चल जाएगा. और मैं इसको रखती हूँ अब. तो पेपर पे छाने से क्या होता है, इसमें मॉइस्चर नहीं आता और ये इतना ताज़ा रहता है ना धनिया. बल्कि ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इतना अच्छा मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर नहीं आता और इतना अच्छा ये धनिया रहता है, खुश्क रहता है बिल्कुल. और जब आप खुद उगाएंगे तो धनिया, तो आप खुद ये फील करेंगे कि ये धनिया में से ना खुशबू भी बहुत अच्छी होती है घर के उगे हुए धनिया में. और छोटी छोटी क्यारियां, गैलरियां होती हैं, जरूरी नहीं कि आपका बड़ी जगह ही हो, छोटी छोटी गैलरियां होती है जिसमें आप धनिया पुदीना तो आराम से लगा सकते हैं. पुदीना तो खैर सर्दियों में आता है और धनिया लग जाता है माशाल्लाह गर्मी में भी थोड़ा बहुत. ये ऐसे करेंगे और इसको कर देंगे बंद करके रख देंगे इसको अच्छी तरह से. और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश निकलता है जब हमें चाहिए होता है. ये हम फ्रिज में रख देंगे इसको. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज मैं बना रही थी फ्राई कीमा और कीमे के लिए मैंने आधा किलो कीमा ले लिया था और उसमें मैंने डाल लिया था लहसुन अदरक हल्दी लाल मिर्च और थोड़ा सा कीमा फ्राई मसाला डाल दिया था, ऑयल डाल दिया था. और इसमें मैंने डाल दिया था बारीक टमाटर काट के, प्याज काट के और हरी मिर्चें काट के. ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा मैंने डाला था, बहुत ज़्यादा पैकेट का जो मसाला होता है वो नहीं डालती, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस के लिए डालती हूँ. और मैंने इसको आधा घंटा मैरिनेट भी करने के लिए रख दिया था, दही डाल दी थी. ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको आधा घंटा मैरिनेट कर दिया था. और आप ये झटपट कीमा लंच में बहुत आराम से बना सकते हैं, रात को डिनर में बना सकते हैं और अगर आपके कोई अचानक गेस्ट आ जाते हैं तो भी आप ये कीमा और गरम गरम चपाती बना सकते हैं. बहुत आसान रेसिपी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होती है. और आपको यूँ होता है कि हम जल्दी से कुछ भी हल्का फुल्का सा बना के किचन में से निकल आएँ, तो ये इसके लिए बेस्ट रेसिपी है. और बस ये कीमा मैंने थोड़ी देर के लिए इसको मसाला चढ़ाने के लिए रख दिया था और मैंने गरम गरम सी रोटियां घर में किचन बना ली थी लंच के लिए. और आप चाहें तो इसमें गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा और गोल वाली लाल मिर्चें डाल के, लहसुन अदरक डाल के और यही प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें डाल के आप घर के मसालों से भी इसको बना सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप पैकेट का मसाला यूज़ करें, तो इस तरह से भी बहुत आराम से बन सकता है और बहुत ही मज़े का, यकीन माने, ये कीमा बनता है. और बस आप इसे बनाएं और खिलाएं. और बहुत ज़्यादा मिर्चें और तेज़ करने की भी इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ बहुत तेज़ मिर्चें आप ना खाएं, जिगर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती हैं. तो हरी मिर्चों का इस्तेमाल रखें लेकिन लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम करें. बहन आज सुबह ही चली गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा खाना बनाया और फिर मैंने ये सब बाहर और कॉमन और आज सारा सफाइयाँ करवाई, झाड़ झपट करवाया और बाहर सारा सही से अंदर से और सहन और सब धुलवाया, सीढ़ियाँ सारी साफ़ करवाई धुलवाई, क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी अम्मा भी जा रही हैं गाँव और उनकी बेटी जा चुकी है. और मैं आज बहुत वैसे भी यूँ दुखी हूँ कि अब इतना सारा काम होता है कौन करेगा. हमारी अम्मा धो रही हैं सारा बाहर और आज सब पूरे कॉमन की सफाई करवाई है, सारा फ्रिज निकल रहा है, एक तो गीले में चलने में डर भी इतना लगता है. मट्टी तो देखिए, एक तो हाँ बहुत मट्टी हो रही है, बहुत इतनी मट्टी हो जाती है ना, एक तो ये सारा हमारा इलाका पूरा मट्टी मट्टी होता है. एक तो अम्मा आप क्यों जा रहे हो, अम्मा मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? देखो अब है ना, मैं सारी YouTube फैमिली को आपकी शिकायत कर रही हूँ, आप मुझे छोड़ के क्यों जा रही हैं? नहीं जा रही. ये गाइस गाइस ये मेरी YouTube प्यारी फैमिली की मैं शिकायत कर रही हूँ आज, कि मेरी अम्मा है ना कहना नहीं मानती और मुझे छोड़ के जा रही है क्योंकि उनकी बेटी चली गई है गाँव.
तो इनकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो जो मेरी खास हेल्पर थी वो इनकी बेटी थी, तो ये अम्मा भी मुझे छोड़ के जा रही है, और इतना अच्छा धोएगा कौन अब। अम्मा आप जवाब दे हो मेरी सारी YouTube फैमिली को, आप क्यों छोड़ के जा रही है? अम्मा पहली तारीख को छोड़ के जा रही है गाँव, और अब मेरा काम कौन करेगा? और मेरी YouTube फैमिली के पास अगर कोई मासी हो, अम्मा हो, मासी तो मैं घर में नहीं कहती किसी को, कोई हमारी अम्मा हो, हाँ अम्मा की तबीयत वाकई खराब रहती है, तबीयत सही नहीं रहती है। इनकी जो बेटी है बड़ी वाली वो चली गई है गाँव, तो इसलिए अम्मा बेचारी काफी दिन तो काम किया मगर अब अम्मा भी थक चुकी है, और मेरा काम भी आसान नहीं है, सारे दिन धोना और करना और काम और काज और घर में, लेकिन ये क्या बड़ी मुश्किल होगी, ये लोग चले जाते हैं मेड्स वगैरह तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाती है। माशाल्लाह पौधों में भी इतना अच्छा पानी दे दिया इन्होंने कि मुझे शाम को भी देना नहीं पड़ेगा, और मेरा मोबाइल भी गीला हो गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप सब? धूप में बैठी हूँ इसलिए आँखें नहीं खुल रही हैं, और सब यहाँ बाहर धुलवाया क्योंकि पहली को मेरी अम्मा भी जा रही हैं गाँव, तो मुझे मेड्स की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, और अब देखते हैं अल्लाह करे कि कोई अच्छी ईमानदार सी घर में मेड मिल जाए। ज़रा पूरा दिन मेरे पास होती थी ये लोग तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब इनकी बेटी चली गई है गाँव तो इनको प्रॉब्लम होती है और बीमार भी हो गई है। खैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है। आप सबके लिए बहुत दुआएँ, बहुत प्यार और मेरे सारी जो मोहब्बतें हैं आप सब यूट्यूब फैमिली के लिए हैं, और ये कि आज बहुत गर्म दिन है घर में, तो बहुत गर्म दिन है, बिना एसी के तो बैठ ही नहीं पा रहे, और बाहर थोड़ा मैं निकली हूँ ये धुलवाने के लिए सब, तो ठंडा के हवा है, अच्छी खासी हवा है, धूप है मगर अच्छी खासी हवा आ रही, तो बस थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी जब तक ये लोग धो रही हैं। और ये कि किसी को ये दुआएँ देनी हो और तो मोहब्बतें बांटिए, और अगर मोहब्बतें देनी हो तो दुआएँ दीजिए, बस ये मेरा आज का पैगाम है। और सबसे प्यारा तोहफा और सबसे प्यारी जो चाहते हैं मोहब्बतें हैं वो अगर किसी को देनी हो और सबसे प्यारा तोहफा देना हो तो मोहब्बतें दीजिए, दुआएँ दीजिए एक दूसरे को, और एक दूसरे से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, अखलाक से रहिए। और देखिए ये मेरी मेट्स भी जा रही हैं तो मैं भी उनको याद करूंगी क्योंकि मेरे पास एक साल तक रहीं और बहुत मोहब्बत से रहीं और बहुत प्यार से रहीं। अब जाहिर है सबके घर गांव में होते हैं तो इनको कुछ अरसे के लिए वहाँ पे भी जाना पड़ता है, तो मुझे याद आएंगी। और ऐसे हर रिश्ते में ऐसे ही होता है कि अच्छा रिश्ता, अच्छा अखलाक सबको याद रहता है, चाहे वो कहीं और शिफ्ट हों या दुनिया से चले जाएँ या कुछ भी हो, तो लेकिन वो बंदा याद रह जाता है कि वो अच्छे अखलाक का था, सच्चा बंदा था, अच्छा बंदा था। तो बस ये कुछ मेरा भी दिल आज थोड़ा सा इन मेट्स के लिए भी उदास है कि ये पहली तक होंगी और फिर चली जाएंगी, तो आज बस हम यही सारी बातें कर रहे थे, और मैंने कहा अम्मा थोड़ा सा अच्छा खाना पीना बना लेते हैं, खा पी लेते हैं, फिर आप लोग भी चले जाओगे। तो बस मैं यहाँ हवा में निकल के बैठी हूँ, आपसे एक रेसिपी भी कीमे की, भुने हुए कीमे की शेयर की है, आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूंगी, और शाम को जो भी रूटीन होगी आसिफ साहब आएंगे, आज सैटरडे वीकेंड है तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है घर का, खाना खा लिया है, लंच कर लिया है, ढाई बज गए हैं, दो ढाई बज गए हैं तकरीबन, तो बस यही है कि जो भी आगे रूटीन होगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, मेरे साथ बने रहिएगा। अम्मा ऐसा बाहर तक कौन काम करके देगा मुझे? है अम्मा तुम क्यों जा रहे हो? अम्मा अम्मा मैं रोऊंगी, आप जाएंगी तो हाँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत ही तंदुरुस्ती देगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं आप जहाँ पे भी रहें। आज वीकेंड है तो हम रात को डिनर के लिए आ गए हैं, और आसिफ साहब हमें खाना खाने के लिए लेके आए हैं, और आसिफ साहब ने मुझे एक दो दिन पहले ही बोल दिया था क्योंकि इनको टिक्का वगैरह खाने का दिल हो रहा था, तो आज हमने सीख कबाब और टिक्का मंगाया था और एंजॉय किया, और आज बहुत मज़ा आया डिनर में क्योंकि ये डिनर तो वैसे भी मज़ेदार होता है, टिक्का वगैरह और सीख कबाब और गोला कबाब और ऐसे डिनर तो वैसे भी बहुत मज़े के लगते हैं, और वीकेंड था तो आज बाहर भी निकल गए, थोड़ा बाहर का चक्कर भी हो जाता है इस तरह से, और थोड़ा टाइम भी अच्छा फैमिली के साथ स्पेंड हो जाता है, तो बस डिनर किया अच्छा सा प्यारा सा, और ये हमारी मोती महल की बहुत मशहूर कबाब है जो हम खा रहे थे, और
काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने बाहर का खाना खाया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आज। और आज मैंने पेट भर के भी खाना खाया, क्योंकि रोज़ हम भी खाना बनाते हैं तो रोज़ रोज़ पका के भी बिल्कुल थक से जाते हैं।